डेली शो विद मुनीर मेमन। सूबाई हुकूमत ने एक मरतबा फिर इलेक्शन और जमहूरी अमल पर शबखून मारने के लिए एक खत और लिख दिया है इलेक्शन कमीशन को, और उसमें उन्होंने अपनी महबूब पार्टी MQM जिसके साथ मिलकर तवील अरसे से कराची और पूरे सूबे सिंध के साथ मजाक हो रहा है, लूटमार हो रही है, उस महबूब पार्टी का तस्करा किया है कि चूंकि MQM ये चाहती है कि हल्काबंदियां हों तो लिहाजा आप इलेक्शन को मुलतवी कर दें। तो इतना शानदार अदाएं हैं इनकी कि हम हैरान हैं कि ये हो क्या रहा है तमाशा, जब दो मरतबा हाई कोर्ट ने आपकी पिटिशंस को मुस्तरद कर दिया, पीपल्स पार्टी की भी, PTI की, बल्कि पहली मरतबा जब जून में ये लोग गए थे तो उस वक्त PTI भी शामिल थी, इलेक्शन मुलतवी करने के लिए चाहती थी कि इल्तवा हो, MQM भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, नून लीग भी थी, GDA भी थी, ये सब मिलकर चाहते थे कि इलेक्शन ना हो, सिर्फ जमात इस्लामी चाहती थी कि इलेक्शन हो। हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इलेक्शन हो, लेकिन बारिश को जवाब बनाकर सवा महीने के लिए इलेक्शन आगे कर दिया। उनको नजर आ रहा है कि कराची के आवाम का मूड क्या है, वो उन्होंने अपना जहन बना लिया है कि कराची एक मरतबा फिर इंशाल्लाह जमात इस्लामी ही रीबिल्ड करेगी, दोबारा इसको तामीर करेगी, ये जहन बन चुका है लोगों का, और खुद पीपल्स पार्टी को अपनी पार्टी में दुश्वारी पेश आ रही है, वहां उनको पता चल रहा है कि वहां लोग ये बात कह रहे हैं। MQM को तो वो तो वैसे ही तकरीबन फारिग हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में जहां पे हम इलेक्शंस की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, लोकल बॉडीज का निज़ाम वहां पे यकीन तौर पे ज़ेरे गुफ्तगू आता है। पाकिस्तान में जब जमहूरियत की बात होती है तो जमहूरियत की ऐसा लू जिसको ये कहा जाता है कि एक आम आदमी को उसकी घर की दहलीज पे वो तमाम तर सहूलियात प्रोवाइड की जाएँ, वो तमाम तर मामला वो जो चाहता है उसको दिए जाएँ, तो वो इस वक्त नज़र नहीं आता। जमहूरियत के दावेदार बड़ी सारी सियासी जमातें इस वक्त जमहूरियत का राग तो बहुत आला आती हैं, लेकिन अगर जमहूरियत की सही रूह की बात की जाए तो उसको नाफज करने में शायद कोई ही सियासी जमात हो जो संजीदा नजर आए। इस्लामाबाद में लोकल बॉडीज के इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी कर दिए गए। पाकिस्तान में आमतौर पर लंदन, अमरीका और दीगर यूरोपीय ममालिक की मिसालें देने वाले बड़े सारे लोग, बड़े सारे सियासी लीडरान जब इस्लामाबाद की बात आती है तो वहां पर लोकल बॉडीज के मामला से दूर नजर आते हैं। हुकूमत वक्त की अगर बात करें तो इस वक्त कोई किसी किस्म की संजीदगी नजर नहीं आती कि वो लोकल बॉडीज के इंतखाबात करा के कोई ऐसा निज़ाम मुरतब कर सके जो आम आवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए कारआमद साबित हो। कराची में भी बल्दियाती इंतखाबात होने हैं, लेकिन क्या ये बल्दियाती इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं या नहीं, या इसके पीछे भी कुछ और मामलात हैं जो यकीन तौर पर वक्त के साथ हमें दिखाई देंगे। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन करें जनाब नजीब अयूबी साहब, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हैं। इनसे जरा जानने की कोशिश करेंगे कि बल्दियाती निज़ाम आखिर क्यों इतना मुश्किल है कि इसको इंप्लीमेंट नहीं कराया जा पा रहा, और क्या वजूहत हैं कि बल्दियाती निज़ाम से शायद हर सूबा, हर बड़ा शहर इस वक्त महरूम नजर आता है। नजीब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नजीब साहब, खबर तो आपने देख ली कि इस्लामाबाद में भी जो बल्दियाती निज़ाम होना था, जो बल्दियाती इंतखाबात होने थे, उनको मुलतवी कर दिया गया। जिस मुल्क के कैपिटल में अगर बल्दियाती निज़ाम ना हो, वहां पे किसी और शहर में क्या तवक्को की जाए? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये इंतहाई ज्यादती की बात है कि जो नीचे लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात होते हैं ये निचली सतह तक इख्तियारात को लेके जाते हैं, पहुंचाते हैं और आवाम अपना हिस्सा महसूस करते हैं। लेकिन ये मांगे तांगे कि ये हुकूमत हो या दूसरी हुकूमतें जो माजी में भी रही हैं, उन सब के यहाँ आपने देखा कि वो बल्दियाती निजाम को उस तरीके से चलाना ही नहीं चाहते जी। खुसूस 31 तारीख को जो इस्लामाबाद में इलेक्शन होने थे, इसका एक पहलू तो ये है कि इलेक्शन से पहले ही जो नॉमिनेशन आई हैं उस 10 बाहर से जो सीटों मुंतखब होती हैं उसमें 10 लोग बिला मुकाबला हमारे जमात इस्लामी के आ चुके हुए थे। इस्लामाबाद का रिजल्ट मुतवक्का तौर पर तश तस्बाब है कि जमात इस्लामी की जानिब लोगों की राय है और झुकाव है, और यही मामला कमोबेश कराची में है। एक करप्ट माफिया जमात इस्लामी के खिलाफ इकट्ठी हो चुकी है, और पीपल्स पार्टी का जहां तक ताल्लुक है सिंध में, मैं बात कर रहा हूं कि उसकी कराची दुश्मनी तो किसी से ढकी छुपी नहीं है, और मुस्तकिल बुनियादों पर कराची को महरूम रखना और वडेरा शाही का जो माइंडसेट है उस हिसाब से मामलात को चलाना, ये पीपल्स पार्टी का हमेशा से वतीरा रहा है। अच्छा, सोने पे सुहागा ये हुआ कि 30-35 साल से मुस्तकिल पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है
वो आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कराची के आवाम को मजीद बेवकूफ बनाने का गेम खेल रहे हैं। यानी मैं तो ये कहता हूं कि मुत्तहिदा और पीपीपी कराची के आवाम के साथ एक घनावना मजाक कर रहे हैं और लूट मार का एक बाजार गरम है जो 1400 अरब रुपए का पैकेज वर्ल्ड बैंक, यानी ये कि वो भी वर्ल्ड बैंक से कर्जा मिला है जिसको कराची के 3.5 करोड़ लोगों ने उतारना है, और उसके साथ जिस तरीके से उस पर हाथ साफ किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि यही वो वजह है कि वो जब तक इसके पाई पाई का हिस्सा ना कर ले, खत्म ना कर ले, अपनी जेबें ना भर ले, उस वक्त तक तो ये कम अज कम बल्दियाती इंतखाबात में संजीदा नहीं है। अब आप ये देखिए कि जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन को अप्रोच किया, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और जमात इस्लामी ने भरपूर मुहिम चलाई है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब ये मजबूर होकर इलेक्शन करवाने की इन्होंने कराची में बात की है, लेकिन किस हद तक इसमें कि ये कामयाब होंगे, करवाएंगे नहीं करवाएंगे, जाहिर है एक सियासी कारकुन की हैसियत से मेरी ख्वाहिश है कि ये होने चाहिए, लेकिन नजीब साहब माजरत के साथ होने चाहिए, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कि इनका जो माइंड सेट है इख्तियारात को अपने पास रखना और डिक्टेट करना, इसी तरीके से ये इस गेम को, अभी आप देखें ना कि पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से मुत्तहिदा के लोगों को एक जगह करने की कोशिश की है, वो जो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, वो हमेशा एक दूसरे के लिए जो है दस्तो गिरेबा रहे हैं माजी के अंदर, अभी ये किस तरीके से जरा, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि ये ऊपर से जो इनके डांडे हिलाए जा रहे हैं, एक मुर्दा घोड़े के अंदर स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा के जान डालने की कोशिश की जा रही है। अवाम ने 35 साल में इस टोले को अच्छी तरह समझ लिया है। नतीजा आपने देखा कि अभी जो जलसा आम हुआ खवातीन के नाम पे मुत्तहिदा का, उसके अंदर 200-250 से ज्यादा खवातीन अगर आपको भी नजर आई हो तो जरा मुझे बता दीजिए। ये वो हाल है उस पार्टी का कि अब रहनुमा एक दूसरे के दस्तों गिरेबा हुए हुए हैं, उनको पीपल्स पार्टी को बिठाने की, लेकिन नजीब साहब मुझे समझाया ना कि ये जरूरत क्यों आन पेश हुई कि मुत्तहिदा कॉमनवेल्थ के जो मुख्तलिफ धड़े हैं उनको जोड़ा जाए और फिर उनको एकजुट करके एक साथ बिठाया जाए, और अगर ये बिठा भी लिया जाता है तो क्या इनका जो ताल्लुक है जो लंदन से फिलहाल मुनकता नजर आता है तो वो ताल्लुक भी बहाल हो जाएगा आने वाले दिनों में अगर यही होता दिखाई दिया तो? मुनीर भाई बात इसमें बड़ी सिंपल है कि जमात इस्लामी का एक खौफ उनके सर पे सवार है, रोजाना कोई ना कोई नई हिकमत अमली बना के वो मार्केट में आते हैं और उसके बाद उनको मुंह की खानी पड़ती है। अब आप ये देखिए कि जिस लेवल पे इन्होंने कोशिश की इंतखाबात को लंबा करने की, आगे बढ़ाने की, कोई 5-6 दफा इन्होंने कोशिश की है और हम इनका गला पकड़ पकड़ के इनको मैदान में लेके आ रहे हैं, और इनकी पोजिशन इतनी गंदी आए दिन होती जा रही है कि जितना ये कोई ड्रामा करते हैं उतना जमात इस्लामी की मकबूलियत अल्हम्दुलिल्लाह अवाम के अंदर बढ़ रही है। अब देखिए ना, ये 1400 अरब रुपए का तो इन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि ये कहां खर्च हो रहे हैं, कौन सा प्रोजेक्ट है। मैं कह रहा हूं 1400 अरब रुपए का ना बताएं भाई, आप 14 अरब रुपए का बताइए। मुत्तहिदा की जो सियासत दफन हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, और उसको जरदारी साहब ने और दूसरे लोगों ने जिंदा करने की जो कोशिश की है, उससे अच्छा तो ये होगा कि जरदारी साहब ने जहां इतनी सारी चीजों को गोद लिया हुआ है वो मुत्तहिदा को भी गोद ले ले, और एक नाम के साथ मुत्तहिदा को गोद लेके फिर इलेक्शन में आए, फिर 1-to-1 हम भी मुकाबला करें और देखें कराची के अवाम अपना माइंड सेट तो बना ही चुके हैं। इसमें सबसे लेकिन नजीब साहब मुझे ये जरा समझाएं तो ये आखिर रुकावट क्या है, मुश्किल क्या है? हम लंदन की बात करते हैं, हम लंदन के मेयर का तस्करा करते हैं, अभी हम आपने देखा न्यूयॉर्क में एक बड़ी आफत आई हुई है, वहां पे भरपूर अंदाज में बर्फबारी हो रही है, स्नो स्टॉर्म है, वहां पे उनकी लोकल इंतजामिया जो तमाम तर मामलात को डील कर रही है। हमारे मुल्क में तो चैलेंजेस का एक अंबार नजर आता है, लेकिन हमारे यहाँ इस सेटअप को राइज करने के लिए शायद कोई भी तैयार नजर नहीं आता। मैं पाकिस्तान के किसी भी शहर की बात करूं तो शायद ये वाला निजाम नजर नहीं आ रहा मुझे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बड़े दावे तो करते हैं कि हम फला जगह से पढ़े हुए हैं, वहां से डिग्री लेके आए हैं, लेकिन बाहर झोंक के आए हैं, इन्होंने बाहर झोंकी है, बाहर अपने पैसे की बुनियाद पे चले गए हैं और वापस आके इन्होंने हम पे रोक डालना शुरू किया। अब ये वहीं का निजाम देख लीजिए ना, जहाँ की ये मिसालें देते हैं कि हम डिग्रियां लेके आए हैं, वहां पर पुलिस जो है वो बल्दिया के अंडर में है, पूरे का पूरा म्युनिसिपल निजाम बल्दिया के अंडर में है, बिल्कुल सही, और वो ट्रैफिक का निजाम बल्दिया के अंडर में है, और यहाँ वो कोई चीज बल्दिया को नहीं देना चाह रहे हैं, बल्कि बल्दिया के इलेक्शन ही नहीं करवाना चाह रहे हैं। तो ये दूर के ढोल है, ये सुहाने हैं, ये हुक्मरान वहां से सिर्फ कागज की डिग्रियां लेके आए हैं।
अपना दिमाग गिरवी रख के आ चुके हैं। इनको कराची के शहरियों से कोई सरोकार नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। और ये तो कह ही चुके हैं ना कि हम सब मिले हुए हैं, हम सब एक हैं, मिलजुल के खाएंगे, मिलजुल के रहेंगे, ना मैं तुम्हारे बारे में पूछूंगा ना तुम मेरे बारे में पूछना। तो ये अच्छा इनकी बच्चों की लेकिन, लेकिन नजीब साहब माजर के साथ कराची की सियासत को लेकर तो मुतहदा कौमी मूवमेंट भी सालों तक इल्जाम लगाता रही पीपल्स पार्टी के ऊपर। वो कहते रहे कि पीपल्स पार्टी का कराची में कोई स्टेक नहीं। वो जब इस तरह की गुफ्तगू करते रहे तो आपको लगता है कि बलदियाती निजाम की जब बात होगी तो फिर एक बार फिर से इत्तेहाद नजर आएगा? लेकिन मुत्तहिदा का तो मामला ये है कि ये वो दुल्हन है कि जो किसी के साथ भी जाने पर राजी हो जाती है। तो और ये कि एक वजारत तो खैर बहुत बड़ी बात है भाई, एक ब्रीफ केस के ऊपर इनके मामला जो है वो रातों रात तय हो जाते हैं एक मिनिस्ट्री के ऊपर। और अब तो मुशीर और मुशीर के नीचे के जो ऑफिसर है वो लगाने के ऊपर इनके मामला तय हो जाते हैं। तो मुत्तहिदा का तो इस वक्त मसला बहुत ही अजीबो गरीब है। हर दफा उसने कराची की पीठ में छुरा घोपा है पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर। यानी ये कि जब कोटा सिस्टम लगाया गया तो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मुत्तहिदा ने उसको आगे बढ़ाया जब वो खत्म होने जा रहा था 40 साल की मुद्दत पूरी करने के बाद। इसी तरीके से मरदम शुमारी के अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कराची के शहरियों के साथ जो है पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हाथ किया। और इस वक्त 1400 अरब रुपए के पैकेज के ऊपर इन्होंने अपना शोर मचाया कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, हमारा ये होना चाहिए और हमारा गवर्नर होना चाहिए। चुना के उनके ऊपर एक गवर्नर भी लाके बिठा दिया गया जिसको अब टास्क ये दिया है कि वो इन सब को जमा करे और इनके आपको लगता है टास्क में कामयाबी होती हुई दिखाई दे रही है आपको? ये जमात इस्लामी का खौफ है मैं आपको बता रहा हूँ। और 8 तारीख को हाफिज महमूद रहमान साहब ऐलान कराची करने जा रहे हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि फिर जो भी सूरत हाल बनेगी उसकी तमाम तर जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन इस वक्त और इनके इत्तेहादियों पे होगी। लेकिन लेकिन नजीब साहब माजर के साथ करना चाहिए। नजीब साहब जब मुल्क में इलेक्शन होते हैं अभी जो इस्लामाबाद का फैसला दिया है अपने किरदार को अपनी हैसियत को मशकूक बनाया है मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन नजीब साहब मैं एक और चीज ऐड कर देता हूं जो मशकूक और कर रही है इस तरह के मामला को। जब भी इलेक्शंस होते हैं जब हमने बल्दियाती इंतखाबात का पहली दफा अनाउंसमेंट हुआ हमने देखा था कि काफी अरसे पहले इलेक्शन ऑफिसेस बनते थे वहां पे गहमा गहमी नजर आती थी। लेकिन इस बार अभी चंद ही दिन रह गए बल्दियाती इंतखाबात के अनाउंसमेंट की अगर बात करें 15 तारीख को जो मुतवक्के हैं अभी आपको किसी भी सियासी जमात के कोई कैंप्स नजर नहीं आते सड़कों पे कोई गहमा गहमी नजर नहीं आ रही तो ये आवाम भी शायद इस तासुर को लिए बैठी है कि इस बार भी बल्दियाती इंतखाबात होना मुश्किल ही नजर है। देखिए ये तो टेक्निक होती है ना कि आपने इतनी दफा उसको मुलतवी किया कि आवाम जो है वो शेर आया शेर आया शेर आया वाली बात हो गई कि अब वो परेशान हो। जहां आवाम परेशान होते हैं डबल माइंडेड होते हैं वहीं पर सियासी वर्कर डबल माइंडेड होता है। लेकिन ये कि जमात इस्लामी का कारकुन अल्हम्दुलिल्लाह नजरियाती कारकुन है वो रोजे अव्वल से डटा हुआ है। और पीपल्स पार्टी को मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये जितना भागने की कोशिश करेंगे उतना अपने लेकिन आपको लग रहा है कि इस बार भी बल्दियाती इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं क्योंकि मौजूदा सूरत हाल तो काफी शेडी दिखाई दे रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन हमने कहा ना कि बतौर सियासी जमात और पॉलिटिकल वर्कर हम इनको पकड़ पकड़ के लेके आएंगे मैदान में हम इनका ताकुब करेंगे। ये जितना भागेंगे अपनी पार्टी पोजीशन को लूज कर रहे होंगे अपने अखलाकी किरदार को लूज कर रहे होंगे। किरदार तो खैर वैसे ही मैं उसको बात नहीं करना चाह रहा इसलिए कि हर एक की जबान में बहुत सारी चीजें मौजूद है सब जानते हैं। लेकिन ये कि हम इनको पॉलिटिकली भागने नहीं देंगे इनका ताकुब करेंगे। और अगर इस बार भी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हो गए तो फिर मैं क्या समझूं कि जमात इस्लामी का अगला मौकफ क्या होगा? क्या एक बार फिर से हम देखेंगे एक तवील धरना के कराची की जो जद्दोजहद आवाम को मिला के शुरू की हुई है 8 तारीख को एक फैसला कुन मोड़ आएगा इंशाल्लाह। हाफिज महमूद रहमान साहब ऐलान कराची करेंगे और इस हवाले से एक बिल्कुल वाजे गाइडलाइन और उसमें हम कोई भी एक्शन जो है उसका ऐलान कर सकते हैं और ये हमारा राइट भी होगा। अब इसको आप जो भी मतलब ले इंशाल्लाह 8 तारीख आने वाला 8 जनवरी एक कराची के लिए एक तारीख साज दिन होगा।
बागे जिला में हाफिज महमूद रहमान आलिया ने कराची करेंगे। बहुत 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 शुक्रिया नजीब भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे और बलदियाती निज़ाम के हवाले से जो गुफ्तगू कर रहे थे। यकीन तौर पर आज पाकिस्तान में रहने वाले हर खास आम की ये बात है और हर किसी की ये फरियाद है कि जो वो जमहूरियत का ख्वाब देखता है, जिस जमहूरियत की पाकिस्तान में बात होती है, जो सियासी जमातों के बड़े बड़े रहनुमा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो जमहूरियत दरअसल क्या है? वो जमहूरियत के असल लू बलदियाती निज़ाम है, और अगर बलदियाती निज़ाम ही राइज ना हो तो फिर आखिर किस तरीके से मुल्क आगे की तरफ बढ़ सकता है? इस वक्त की अगर हम बात करें तो इस वक्त दुनिया के बेशतर ममालिकों में हम देख रहे हैं कि स्नो स्टॉर्म है, बर्फानी तूफान है, बारिशें हैं, अनसर्टन सिचुएशन है, एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से बड़े सारे मामले हो रहे हैं जो किसी भी इस वक्त इंसानी ताकत की दस्तरस से बिल्कुल परे नजर आते हैं, लेकिन वहां के जो निजाम वो किस वजह से महफूज बनाए जाते हैं, नुकसान को कम से कम किया जाता है, वो यकीनी बनाया जाता है बलदियाती निजाम के तहत, वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत। और पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के बड़े शहरों की बात करें, तो ये बलदियाती निजाम, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फिलहाल सिरे से नजर नहीं आती। पाकिस्तान में आज भी एडहॉक सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो जिम्मेदारान हैं वो अवाम के नुमाइंदे नहीं होते, वो किसी के चुनिंदा कौन लोग होते हैं जिनको चुन के उनको उन नशिस्तों पे बिठा दिया जाता है और जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं, और जो जवाबदेही है वो उन्हीं लोगों तक महदूद रहती है, ना कि अवाम तक। उम्मीद करते हैं कि ये जो सूरत हाल में बेहतरी आए, लेकिन अगर दूसरी तरफ रुख करें बलदियाती निज़ाम के अलावा, एक और बड़ा मैटर है सिक्योरिटी का, खेलों का, खेलों के मैदानों का। ये भी एक बड़ा कंसर्निंग फैक्टर है कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के लिए मुश्किलात बन रही हैं। पाकिस्तान में एक ऐसा खेल जो हर पाकिस्तानी को एकजुट कर देता है, यूनाइट कर देता है, वो है क्रिकेट का खेल। क्रिकेट के मैदान से क्या खबरें हैं जो कॉन्ट्रोवर्सी जन्म ले रही है, नजम सेठी साहब और साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जनाब रमीज आजाद साहब के दरमियान, उसका क्या आगे निकल के मामला निकलते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक वाला जरूर। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।